सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड चैनल राशन फोटोग्राफी। गाइज, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग केवल पिकसार्ट ऐप का यूज करके आप लोग कुछ इस तरह का इरेज टू सीवी फोटो एडिट यहां पर करना सिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे हमारा फोटो देख ही सकते हो। पहले आप लोग को मतलब फोटो को यहाँ पर एडिट करना बतलाऊंगा और उसके बाद आप लोग को ये बतलाऊंगा कैसे आप लोग इस तरह का इरेज वाला वीडियो को बना सकते हो। तो वीडियो में आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वाले वीडियो को आप लोग 1 लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर देना। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अपने फोटो को शेयर करके पिकसार्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेना है। और सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, बगल में आप लोग को इफेक्ट के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाले टूल पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, कलर्स वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप लोग कलर स्प्लेस के नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फेस के ऊपर यहाँ पर रख के सिंपली यहाँ पर इसको छोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेना है। देन इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर आप लोग को टूल्स वाला ऑप्शन पर एक बार टैप करना है इस तरह से। और यहाँ पर क्या करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्या करना है, अपने फोटो में हल्का सा ब्राइटनेस को इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पर क्या करते हैं क्लैरिटी और यहाँ पर क्या करते हैं हाईलाइट एंड शैडो को इंक्रीज करके सिंपली यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। देन इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से टूल्स वाला ऑप्शन पर एक बार टैप करना है। और यहाँ पर आप लोग को सबसे लास्ट में यह इनहेंस के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, ये वाला टूल, तो इसके ऊपर आप लोग को एक बार टैप करना है। और यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फोन के अंदर डाटा को यहाँ पर ओपन करना है। जब तक आप लोग मतलब डाटा को ओपन नहीं करोगे तब तक ये मतलब टूल यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरनेट से काम करता है। तो मेरे भाई, इस वाला टूल का यूज करके आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर HD के अंदर बना सकते हो, जो कि मैं अभी आप लोग को फोटो को यहाँ पर जूम करके दिखलाता हूँ। पहले का फोटो यहाँ पर देख ही सकते हो और अभी का हमारा फोटो देख सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले लाइन को आप लोग को लेफ्ट साइड की ओर रख के यहाँ पर इसके अमाउंट को फुल बढ़ा लेना है इस तरह से। और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, फिर से मतलब इफेक्ट वाला टूल पर एक बार टैप करना है इस तरह से। और इस बार यहाँ पर क्या करना है, ब्लर वाला ऑप्शन पर एक बार टैप करके सेकंड वाले ब्लर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और इस पर एक बार क्लिक करके इसके ब्लर अमाउंट को आप लोग को 10 अप्रोक्स यहाँ पर रखना है, लाइक कुछ इस तरह। और यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर इन्वर्ट करना है और दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम वगैरह करके अपने स्किन को यहाँ पर स्मूथ करना है इस तरह से। जिस तरह से आपका फेस होगा उसी तरह से आप लोग यहाँ ब्रश को अप्लाई कीजिएगा, आप लोग ऐसे ऐसे बिल्कुल मतलब नहीं कीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोग करके दिखलाता हूँ कैसे करना है, इस तरह से आप लोग करना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम देकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसके स्किन को यहाँ पर स्मूथ कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो वेल, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको राइट क्लिक कर लेना है। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फेस को यहाँ पर वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करना है, रिटच वाले टूल पर एक बार क्लिक करना है, जो कि ये रहा इफेक्ट के जस्ट नीचे। तो इस पर एक बार टैप करके यहाँ पर क्या करना है, स्किन टोन वाला ऑप्शन पर एक बार टैप करना है। और यहाँ पर क्या करना है, मैनुअल कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको वाइट कलर सेलेक्ट करना है इस तरह से ऊपर की ओर करके। और यहाँ पर इसको डन करके यहाँ पर क्या करना है, मैनुअल ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके हार्डनेस को हल्का सा कम ही करना है, नहीं तो आप लोग बढ़ा भी सकते हो अपने अनुसार। और यहाँ पर क्या करना है, ओपेसिटी को फुल इंक्रीज करके फोटो को आप लोग को जूम वगैरह करके यहाँ पर इसको वाइट करना है इस तरह से। देख सकते हो यहाँ पर कितना बेहतरीन वाइट हो रहा है इस फेस। सो गाइस, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके स्किन को यहाँ पर वाइट कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है इस तरह से। तो इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, अपने मतलब बैकग्राउंड को आप लोग क्रिएट करना है। तो बैकग्राउंड को बनाने के लिए बगल में आप लोग को मतलब remove.bg के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, तो इस पर आप लोग को एक बार टैप करना है इस तरह से। और यहाँ पर क्या करना है, नीचे में आप लोग कलर के जस्ट नीचे एक मतलब बैकग्राउंड के नेम से ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग को मतलब सीवी बैकग्राउंड का लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
और इस तरह का सीवी बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से कर देना। और यहाँ पर अगर ब्लर वगैरह करना होगा बैकग्राउंड को, तो यहाँ पर इसके अमाउंट को आप लोग बढ़ा या घटा के देख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको इतना पर करके यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। देन अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मतलब बैकग्राउंड के साथ फोटो को यहाँ पर मैच करेंगे। तो मैच कराने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड फोटो वाले टूल पर एक बार टैप करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कलर बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड हम लोग कर लेते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले मतलब ग्रीन को यहाँ पर ऐड कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरे जूम करना है और यहाँ पर क्या करना है, इसके ब्लेंडिंग को आप लोग को चेंज करना है इस तरह से, यानी कि इसको मल्टीपल के ऊपर या डार्केन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर क्या करना है, इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट कर लेना है। और फोटो को आप लोग को जूम वगैरह करके पहले अपने कपड़े के ऊपर यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रश कर लेना है। तो मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस टाइप से अपने कपड़े के ऊपर यहाँ पर इसको कलर कर लेना है और बस एक बार यहाँ पर इसको डन करना है। और सिंपली एडजस्ट वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके, ह्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके जो कलर आप लोग को पसंद आता है आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां पर क्या करता हूं, दो PNG को ऐड करता हूं। तो मैंने यहां पर दो PNG को ऐड कर लिया है, एक मतलब लाइट का PNG है और एक मतलब वो का इफेक्ट PNG। सबसे पहले क्या करते हैं, लाइट PNG को यहां पर एडजस्ट करके इसके ब्लेंडिंग को चेंज कर लेते हैं इस तरह से, और हल्का सा ओपेसिटी को अपने अनुसार डाउन कर लेते हैं। और यहाँ पर बोके इफेक्ट की PNG क्रॉप वगैरह करके अपने अनुसार यहाँ पर क्या करते हैं, बैकग्राउंड के पीछे यहाँ पर एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पर इसको हम लोग सिंपली राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इरेज टू सीवी फोटो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है और जो आपका मतलब ओरिजिनल फोटो है उस वाले फोटो को ऐड करके इसको आप लोग को फुल जूम करना है। और यहाँ पर इरेजर ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग को अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ओपन करना है। और यहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ इस टाइप से इरेज करके आप लोग वीडियो बना सकते हो और मतलब क्या कहते हैं, रील्स वगैरह पर अपलोड कर सकते हो। इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर, और अब फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करने के लिए ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है।